जो कपड़ा मील था, कपड़ा मील था जी, तो उसमें क्या हुआ था, हम पूरी शुरुआत से लेकर आखिरी तक बात जानना चाहते हैं सर। हमारे एक मील में, हमारे मील में दो तीन लोगों ने आत्महत्या कर लिया। कितना कमा लेते थे तब? पहले भाई मिल जाते थे यार। कितना कमा लेते थे? 10-12 हज़ार रुपए मिलते थे। 10-12 हज़ार रुपए। अब ठेल लगा के कितना कमा पा रहे भाई? 300 रुपए कमा रही हूँ। सवेरे 5 बजे से रात में 8 बजे तक घूमता हूँ। कुछ सैलरी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह ऐसे नहीं मिलती है कि रेगुलर मिल रही, कभी 6 महीने में आ गई, कभी 2 महीने में आ गई, कभी 3 महीने में आ गई, ऐसे आती है, कंटिन्यू नहीं आती ना। बोनस भी नहीं दिया गया है, हम लोग काम भी करते, 3 साल से कोई बोनस भी नहीं मिला हम लोग। बहुत समस्या से घर पर चलाना पड़ रहा है हम लोग। सर की ये है कि प्राइवेट को जरूर बढ़ावा दे रहे हैं, परंतु सरकारी मिल जो देखें तो हमारी तो बंद हो गई। मेड इन इंडिया के तहत प्राइवेटेशन हो रहा है, प्राइवेट खोल रहे हैं, लेकिन सरकारी उद्योग जो है वो तो बंद ही हो। मिल में काम करते थे और आज जो है सड़कों पर ठेले लगाने के लिए मजबूर हो गए। हाँ भाई, लगभग वर्कर हैं 7,500 वर्कर पूरे भारत में जो 23 मिल में हैं वो सभी बेरोजगार हैं। सब लोग सड़क पर आ गए? सब लोग सड़क पर आ गए। क्या मन है आपकी बार, क्या कहोगे, सरकार से खुश हैं या फिर नाराज हैं? नाराज हैं। अच्छा सर, हम आपके क्षेत्र में आए हैं, आपके भोपाल में आए हैं, एरिया कौन सा है? ये है कपड़ा मिल की चाल, नरेला क्षेत्र। नरेला क्षेत्र कपड़ा मिल की चाल जी। अच्छा, आपके यहाँ कोई फैक्ट्री थी जो कपड़ा मिल था जी, तो उसमें क्या हुआ था, हम पूरी शुरुआत से लेकर आखिरी तक बात जानना चाहते हैं सर। वो कपड़ा मिल बहुत पुराना कपड़ा मिल था, काफी गरीब लोग, वर्कर लोग काम करते थे काफी। सरकार का थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं है, वो उस टाइम कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार में शायद बना है। अच्छा, हाँ कांग्रेस की शायद सरकार में बना है। बहुत से गरीब लोग उसमें काम भी करते थे, लोगों के घर द्वार चलते थे उससे। अब 4-5-6 सालों से वो बंद कर दिया गया है। बंद क्यों कर दिया गया? क्या ये गवर्नमेंट की नीति है, किस परफेज से बंद कर रहा है ये वही जाने। कितने लोग उसमें काम करते थे सर? कम से कम 1,000-1,500 लोग काम करते यहाँ के, इस क्षेत्र के नहीं, क्षेत्र के सभी क्षेत्र के कुछ कुछ थे, इस क्षेत्र के भी थे 25-50, कुछ इधर आजू बाजू क्षेत्रों के थे, ऐसे करके 1,200-1,500 के समथिंग वर्कर काम करते थे। अब वो बंद हो गया तो लोग बेरोजगार हो गए। अच्छा, लोग बता रहे कि उसमें आग लग गई थी। ये तो अभी शायद बंद करने के लिए आग लगाई गई हो, इसलिए क्या है। बंद क्यों करना चाहते थे उस मिल को? कौन बंद करना चाहता था? अब बंद इसलिए करना चाह रहे हैं कि हो सके साहब उन्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा हो, नुकसान में चल लिया हो, मतलब कुछ भी है कि ये तो अभी क्या है कि अस्करा के बंद करा गया है, लोग परेशान हो गए हैं। काम उसमें क्या होता था? काम भी उसमें कपड़ा बनता था जो ही। जैसे कि एक मजदूर वर्ग का आदमी जो भी था। ज्यादा आपको अच्छा बताएंगे जो कपड़ा मिल था सर, हम उसकी शुरुआत से लेकर आखिर तक आपसे बात जानना चाहते हैं। उसमें वो किसकी सरकार में बना था और उसमें काम क्या होता था, कितने लोग काम करते थे? सर ये कांग्रेस की सरकार में बना हुआ है, फिर एक बार था बंद हो गया था फिर चालू हुआ, तो यहाँ के कम से कम 1,000-1,200 लोग उसमें कार्यरत थे। अब वो लॉकडाउन के बाद से जो बंद हुआ है, बेचारे वो लोग परेशान हो रहे हैं। अब एक साथ एक आदमी के साथ कम से कम 5 लोगों का परिवार है जी, और वो आज तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस सरकार में बना और बीजेपी सरकार में वो बंद हुआ। ये लॉकडाउन से बंद है। अच्छा, बंद क्यों हुआ, वजह क्या है? ये लॉकडाउन में जो एक बहाना मिल गया, बंद है तो है बंद, और बीजेपी सरकार कहाँ चालू कर रही है, चालू क्यों नहीं कर रही है, वजह क्या है? वजह क्या, अब ये सरकार जाने भाई, ना सुनवाई हो रही है उन 1,200-1,500 लोगों की। आप लोगों को सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए थी, पत्र लिखते पहुंचा रहे हैं लोग बेचारे, धरना प्रदर्शन अभी भी हुआ, उनकी सुनवाई हो ही नहीं रही है, अभी उनको 2,500-2,500 रुपए दे के डरका दे रहे हैं। तो वो लोग अब क्या कर रहे हैं, जो लोग काम करते बेचारे मजदूरी कर रहे हैं घर बैठे हुए, अभी 2-4 तो मैं यही दिखा दूंगा, अभी शाम में ये मिल में काम करते थे तुम? मिल में काम करते थे? उसी मिल में काम करते थे? हाँ, तो अब जो है तुम ठेला लगा रहे हो? ठेला लगा क्या कहेगा, काम ही नहीं है। कितना कमा लेते थे तब? पहले भाई मिल जाते थे यार। कितना कमा लेते थे? 10-12 हज़ार रुपए मिलते थे। 10-12 हज़ार रुपए। अब ठेल लगा के कितना कमा पा रहे भाई? 300 रुपए कमा रही हूँ। सवेरे 5 बजे से रात में 8 बजे तक घूमता हूँ भाई। तो कहीं और ट्राई करते हैं, कहीं और प्रयास करते हैं नौकरी वोकरी के लिए? काम ही नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, कब से तुम ठेला लगा रहे हो? 2-3 महीना हो गया अभी तो। 2-3 महीना हुआ है आपको ठेला लगाते हुए? हाँ। तो घर चल जा रहा है आपका इससे? भाई 200 घर दे देता हूँ, 100 मेरे खर्चे के रख लेता हूँ। मिल में काम करते थे और आज जो है सड़कों पर ठेले लगाने के लिए मजबूर हो गए। हाँ भाई, सरकार से आपको कुछ कहना चाहिए था, पत्र लिखते, वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाते, शायद सरकार कुछ करती। लॉकडाउन तक का तो किराया लग गया, लॉकडाउन तक तो
लॉकडाउन तक का किराया दिया मैंने घर का। सरकार तक अपनी बात पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? कोई सुनी नहीं रही था उस टाइम, पुलिस वाले मार रहे थे चुपचाप से, तो ढेला लेके गली कुच्चे में घूम रहे थे, आवाज़ ही नहीं लगा रहे थे। अब वहाँ काम क्या करते थे फिर मिल में? यही करते थे, बनती मतलब तो कपड़ा बनता था उसमें ही, मतलब हेल्पर ही का काम था हम लोग का, तो बस हेल्पर का काम। हाँ, ताकि 10-12 हज़ार रुपये कमाते थे, 8-9 हज़ार 10 हज़ार मिल जाते थे, मिल जाते थे। और फैक्ट्री में आग लगने की वजह से मिल जिंदगी बर्बाद हो गई। बर्बाद क्या, बिल्कुल ही बर्बाद हो गई। और पूरे प्रयास किए सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के, लेकिन फेल हुए। सब किए, सब कराए, मगर कोई फायदा नहीं मिला। तो कुल मिला के आपको बता दें कि जिस मील का जिक्र आपने अभी देखा आगे, वो मील ये है, देख सकते हैं कितना बड़ा मील बना हुआ है, इस पे लिखा हुआ है न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स, NTC के अंतर्गत ही आता है। खैर, यहाँ के लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा असल वजह क्या है, क्यों ये मील बंद हुआ और क्यों हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए, असल बात क्या है, असल मुद्दा क्या है इस मील का बंद होने का। सर, मिल का बंद होने का जो केंद्र सरकार की नीति है, उन्होंने नीति के हिसाब से बंद किया है, परंतु गलत बंद किया है। हालांकि हम लोग जो कागज़ कभी लिखते हैं तो उसमें जवाब देते हैं कि हमने मिल बंद नहीं किया, उत्पादन बंद किया है। अच्छा। परंतु एक हिसाब से मिल ही बंद है। आप यही काम करते हैं? हम यही काम करते हैं। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 2003 से काम कर रहे हैं। आपकी आप खुश हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, आपको सैलरी तनख्वाह मिलती है यहाँ पे? तनख्वाह ऐसे नहीं मिलती है कि रेगुलर मिल रही, कभी 6 महीने में आ गई, कभी 2 महीने में आ गई, कभी 3 महीने में आ गई, ऐसे आती है, कंटिन्यू नहीं आती है। अच्छा, कुछ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि इसमें आग लगी थी, कोरोना काल के बाद बहानेबाजी की गई, मिल बंद किया गया, हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए, अब क्या सही बात क्या है? आग लगी थी, 2 प्लांट था, एक सिंथेटिक था, एक कॉटन था, तो आग जो लगी थी वो सिंथेटिक में 2018 में लगी थी जी, परंतु मिल बंद 2020 मार्च लॉकडाउन के बाद से बंद किया गया है, तो आग तो इशू नहीं है, आग इशू होता तो 2018 में ही बंद कर देते, परंतु बंद तो 2020 कोरोना से किया है, 2018 में तो किया नहीं जी, जी। तो आग कोई इशू नहीं है, वो तो सरकार अपने क्या पॉलिसी है, क्या बहानेबाजी है, बस बस बहानेबाजी समझ सकते हैं, क्योंकि चालू होता तो चालू कर देते उसको। बहानेबाजी है सर के हिसाब से बता रहे हैं, और सर यहाँ पर काम करते हैं, सर का भी कहना है कि मानना है कि हमें भी तनख्वाह समय से नहीं मिलती है, और ना बोनस भी नहीं दिया गया है, हम लोग काम भी करते, 3 साल से कोई बोनस भी नहीं मिला हम लोगों को। तो कैसे जीवन यापन कैसे चल रहा है, घर परिवार कैसे चलता है भाई? बहुत समस्या से घर पर चलाना पड़ रहा है हम लोगों को, बहुत समस्याएं हो रही हैं। स्कूल हमारे बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ते थे तो उनको अब सरकारी में कर दिए, कोचिंग जाते थे कोचिंग छुड़ा दिए, अब जैसे तैसे अकेले खिलाना पिलाना ही है, पढ़ाई लिखाई एक हिसाब से चौपट हो गया बच्चों का। बहुत से लोग जो बाहर के मजदूर यहाँ थे सब पलायन कर गए, गाँव चले गए, कहीं कहीं चले गए। अच्छा, तो आपको सरकार के पास अपनी आवाज़ पहुँचानी चाहिए थी, पत्र लिखना चाहिए था? नहीं, चिट्ठी लिखा हम लोगों ने, यहाँ धरना आंदोलन भी कई बार किया है, लेकिन पत्र के माध्यम से भी किया है, लेकिन कोई सटिस्फाई जानकारी नहीं मिलती उधर से, या हम लोग बहुत संतुष्ट हैं या संतोष। उधर से आश्वासन क्या आया उधर से? बात आश्वासन ये आते हैं कि हमने मिल बंद नहीं किया, हमने उत्पादन बंद किया है, परंतु कोई अभी तक कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया कि बंद किया है या चालू किया है या करना क्या है, मजदूरों को अधर में लटका के रखे हैं। अभी बीच मझधार में लटके सभी पड़े। सभी लोग बीच मझधार में, मजदूर से लेके सभी जितने भी हैं। क्या लग रहा है, क्या ये फैक्ट्री जो है एक राजनीति की वजह से, एक इसमें राजनीति हो रही है? इस फैक्ट्री का तो नहीं कह सकते, लेकिन जो 2300 मिले NTC का, तो वो 2300 को 2300 बंद कर रखा है। अब अकेले इसका जो लोकल पॉलिटिक्स रहता तो एक मिल बंद होता, परंतु 2300 बंद करके रखा है, और 2300 केंद्र सरकार के अधीन आता है। वजह क्या हो सकती है सर इसके पीछे? वजह तो अब सरकार की पॉलिसी है, मुझे लगता है कोई गलत पॉलिसी है, जब ही बंद कर रखा है। यदि अच्छा, ये मील किसकी सरकार में बने थे? ये मील तो नवाबी दौर का है, लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम जो है इसको राष्ट्रीयकरण करके और NTC में ले लिया था कांग्रेस सरकार में। कांग्रेस सरकार में। और ये बंद जो हुआ है बंद 2020 में हुआ, बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार। अच्छा अच्छा, लेकिन सरकार तो जो है मेड इन इंडिया की बात करती है, और लेकिन ये है सर कि ये है कि प्राइवेट को जरूर बढ़ावा दे रहे हैं, परंतु सरकारी मिल जो देखें तो हमारी तो बंद हो गई ना। अब मेड इन इंडिया के तहत प्राइवेटेशन हो रहा है, प्राइवेट खोल रहा है, लेकिन सरकारी उद्योग जो है वो तो बंद ही हो गया। तो सरकार का जो रोजगार था, तो इसमें तो कई सरकारी मजदूर 750 आज भी हैं, तो 750 तो एक मिल से बेरोजगार हुए हैं, ऐसे ही
2300 मिल के मान के चले तो लगभग 7,500 के लगभग वर्कर हैं। 7,500 वर्कर पूरे भारत में जो 23 मिल में है वो सभी बेरोजगार हों। सब लोग सड़क पर आ गए। अच्छा, सरकार से उम्मीद क्या करते हैं, क्या लग रहा है कि? सरकार से उम्मीद ये करते हैं कि या तो चालू कर दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वापिस आदमी जो पलायन कर गए, बेरोजगार हो गए, तो वो सभी लोग काम करने लग जाए बेचारे, उनके बच्चों की पढ़ाई चालू हो जाए। और यदि भविष्य में ना चलाने चाहें तो इसके लिए मजदूरों के लिए कोई अच्छी पॉलिसी बना के बिल्कुल कुछ करें इनको, मजदूरों को उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। हाँ, उनका समाधान होना, क्योंकि मजदूर परेशान है, बहुत से आते हैं तो ऐसी हालत हो गई कि चल नहीं सकते। हमारे एक मील में, हमारे मील में 2-3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया, कुछ लोगों ने आत्महत्या क्यों किया, वजह? 6-7 महीने पेमेंट नहीं आई, प्रेशर तो उतना ही है, डिप्रेशन में आके 6-7 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद कुछ मजदूर के परिवार ईएसआई का सुविधा न मिलने के कारण, चिकित्सा न मिलने के कारण अभाव में उनके परिजनों की मृत्यु हो गई। ईएसआई की सुविधा थी परंतु नहीं मिल रही, सरकार का दिल नहीं पसीजा, फिर भी कहाँ कुछ नहीं हो रहा, इसकी चिट्ठी भी कंटिन्यू भेजते हैं, इसका कोई अभी तक निराकरण नहीं हुआ। भाई साहब भी हैं यहाँ काम करते हैं, सर कह रहे हैं कि हमें भी तनख्वाह जो है समय पर नहीं मिलती है। खैर, ये फैक्ट्री बंद होने की वजह से हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए हैं, हताश हैं, नाराज हैं, 2-3 लोग बता रहे हैं सुसाइड भी कर लिए, और पैसे ना होने की वजह से घर वाले भी जो है कहीं ना कहीं अपना इलाज नहीं करवा पाए, उनकी भी मृत्यु हो गई है। खैर, तमाम लोग इस फैक्ट्री में काम करते थे, यहाँ पर मजदूरी करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। सरकार से लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि अगर जो ये फैक्ट्री चल जाती है तो तमाम लोग जो पलायन कर गए हैं वो वापस आ जाएंगे, उनका जीवन बढ़िया से एक जीवन में एक अच्छा सुधार आ जाएगा। लेकिन अभी तक ये फैक्ट्री बंद पड़ी है। मैं जानने की कोशिश कर रहा था, यहाँ के लोगों से पता करने की कोशिश कर रहा था कि असल बात क्या है, असल मुद्दा क्या है। खैर, लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय दी। आप क्या कहते हैं इस खबर के बारे में, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। हमारी टीम लगी हुई है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में चुनावी रुझान के दौरान इस तरह की खबर मिली तो मैंने सोचा क्यों ना इस खबर को भी आप तक पहुँचाया जाए। बने रहें, देखते रहें देश नीति।